So the fourth couplet says, for modes of faith, let graceless zealots fight. His can't be wrong whose life is in the right. Okay? So, कहता है modes of faith के लिए, यानी कि आप कौन सी faith से belong करते हो, क्या आपके interest है, क्या command देता है आपका religion, जिस भी religion में आप हैं, ठीक है? Graceless, graceless जो कि चमकहीन होते हैं, ठीक है, या जिनकी कोई शान कोई इज्जत मान नहीं होता, ठीक है, अजीबोगरीब से दिखने वाले. लेट ग्रेसलेस zealots, zealots होते हैं कट्टर लोग, ठीक है, कट्टरपंथी, जो अपने रिलीजन को लेकर अपने धर्म को लेकर बहुत पक्के होते हैं, बहुत ही ज्यादा कट्टर होते हैं. ऐसे नहीं कि कई लोग होते हैं कि जो अपने धर्म का पालन करते हैं उनको हम कट्टर नहीं कह सकते. कट्टर वो लोग होते हैं जो अपने धर्म के अलावा दूसरे धर्म को इज्जत सम्मान नहीं देते. ओके, तो कहते हैं मोड्स ऑफ फेथ, यानी कि धर्म के लिए जो ज़ीलट्स हैं, जो फैनेटिक्स हैं, जो कट्टर लोग हैं, उन्हें ही लड़ने दो. हिज कांट बी रॉन्ग हूज लाइफ इज इन द राइट. ठीक है, वो गलत नहीं हो सकता जो कि खुद सही तरीके से जी रहा है, यानी कि जो किसी का बुरा करके नहीं जी रहा, जो खुद सही रास्ते पे चल रहा है, उसका कोई भी काम, हिज कांट, ओके, हिज एनी टास्क, एनी वर्क, एनी कमिटमेंट कैन नॉट बी रॉन्ग. उसका किया गया कोई भी काम गलत या बुरा नहीं हो सकता जो कि सही तरीके से जी रहा है. ठीक है, सो इसका वन लाइनर अगर हम कहें, द राइट पर्सन्स लाइफ इज ऑलवेज राइट, जो सही इंसान है उसकी जिंदगी हमेशा सही चलती है. आप देखेंगे जो जरूरत से ज्यादा परेशान करता है दूसरों को, वो खुद भी उतना ही परेशान रहता है. ओके, सो यही चीज यहाँ कही जा रही है कि चाहे किसी भी धर्म को आप मानते हैं, किसी भी तरीके से आप मानते हैं, कैसे भी आपके रिचुअल्स बदलते रहते हैं, पर वो इंसान कभी गलत नहीं हो सकता जो सही तरीके से जीता है, जो किसी का गलत चाह के नहीं जीता. द फिफ्थ एंड द लास्ट वन, इन फेथ एंड होप द वर्ल्ड विल डिसएग्री, बट ऑल मैनकाइंड्स कंसर्न इज चैरिटी. ओके, सो फेथ एंड होप, ठीक है, उम्मीद में और फेथ में, यानी कि विश्वास में, यानी कि रिलीजन में, द वर्ल्ड विल डिसएग्री. कोई क्रिश्चियन है, कोई ज्यू है, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, के कोई पारसी है, बहुत सारे रिलीजन्स हैं अलग अलग, ठीक है, और हर रिलीजन की अपनी अपनी मान्यता है, अपने अपने करने के, हर पूजा को या हर काम को करने के तरीके हैं. ओके, सो हर रिलीजन में ये सब चीजें अलग हैं, इसीलिए पोएट कह रहे हैं कि द वर्ल्ड विल डिसएग्री, मतलब कि संसार में सारा कुछ एक समान नहीं रहेगा, हर इंसान का फेथ और होप एक जैसा नहीं रहेगा. ठीक है, क्रिश्चियंस में किसी की डेथ हो जाए तो ब्लैक पहनते हैं, हिंदूज में वाइट पहनते हैं. ओके, लाइकवाइज हिंदूज में वाइट मैरिड वुमेन के लिए बहुत ही ज्यादा अनलकी कलर माना जाता है, वेयर एज क्रिश्चियंस में उनका वेडिंग गाउन ही वाइट होता है. ओके, सो कलर्स को लेकर, रिचुअल्स को लेकर, ठीक है, कहीं पे मैरिज के भी कई तरीके होते हैं. ठीक है, न्यू बॉर्न बेबी है उसके रिचुअल्स अलग होते हैं, डेड के रिचुअल्स अलग होते हैं. तो फेथ एंड होप द वर्ल्ड विल डिसएग्री, संसार जो है हर जगह पे आपको हर 5 किलोमीटर्स के बाद ये पैरामीटर्स बदल जाएंगे, मैक्सिमम 50 किलोमीटर्स के बाद बदल जाएंगे विद इन इंडिया. सो पूरे संसार में तो बहुत ही ज्यादा मतभेद रहेंगे, बहुत अलग अलग चीजें रहेंगी, बट ऑल मैनकाइंड्स, मैनकाइंड मीन्स इंसानियत, सभी लोग जो जिंदा हैं, कंसर्न, ठीक है, कंसर्न चिंता प्रॉब्लम, ठीक है, उनका जो ध्यान है वो सब किस पर है, चैरिटी पे. चैरिटी पे मतलब दान पे, जरूरतमंद की जरूरत पूरी करने पे. ठीक है, तो कोई चाहे कैसे भी धर्म को मानता हो, कोई चाहे कैसे भी रहता हो, पर वो हमेशा जो है चैरिटी में बिलीव करेगा, चैरिटी में मानेगा. तभी इसका वन लाइनर जो समरी है वो है, वी शुड डू चैरिटी इफ नीडेड. ओके, वेन एवर द नीड अराइजेज वी शुड डोनेट एंड हेल्प अदर्स हु आर इन नीड. ओके, सो एज इज द सेइंग, इफ गॉड ब्लेसेस यू फाइनेंशियली, रेज योर स्टैंडर्ड ऑफ गिविंग, नॉट योर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. ओके, सो दिस मीन्स दैट यू शुड बी हेल्पफुल टू अदर पीपल,
यू शुड बी डोनेटिंग टू दोज हु आर इन अटर नीड, बहुत ज्यादा जरूरत में है, और सभी ह्यूमंस का ये एक जैसा ही कंसर्न है. सो दिस इज वॉट ऑल द कपलेट्स मीन. So from I will just give you a gist of the whole couplets in the second part of our summary of our reading of the ninth chapter, which is couplets. So the first one, the poet expresses his ideas that people may have different thinking and judgment, but all are right in their own way. हर कोई अपने तरीके से ठीक होता है, but सबके judgments और सबके व्यूज सोच अलग हो सकती है, पर हर कोई अपने हिसाब से सोच रहा है तो वो सही हो सकता है, कोई भी गलत नहीं होता. ये घड़ी के एग्जाम्पल से वो बता रहा है कि वो अलग अलग टाइम बताती है और हर एक टाइम सही होता है. इन द सेकेंड वन ही सेज कि हमें किसी भी एक्सट्रीम में नहीं जाना चाहिए, नीदर लीन्स ऑन दिस साइड नॉर ऑन दैट, किसी भी चीज की अति नहीं करनी चाहिए, हमेशा हमें बैलेंस्ड रहना चाहिए, मिडिल स्टेट में रहना चाहिए. And in the third one he says, किस तरीके से कोई काम हुआ है उस वो ज्यादा मायने नहीं रखता, बजाय इसके कि उसका रिजल्ट कैसा रहा है, वो अच्छे से हो पाया या नहीं हो पाया. In the fourth one, then the poet expresses that the one who does good deeds, who never harms other people, is right, and zealots may fight over modes of faith. ओके, जो कट्टर हैं वो चाहे धर्म को लेकर कितना भी लड़ते रहें, जो सही कर्म कर रहा है उसको किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है. एंड इन द लास्ट वन ही सेज दैट ऑल मैनकाइंड्स कंसर्न इज चैरिटी, सभी इंसानों को जो ध्यान है, जो एक जहां पे सारा संसार इकट्ठा होता है, वो है दान दूसरों के लिए, और चाहे उनकी फेथ और होप जो है वो अलग रहेगी, पर उनका जो मेन कंसर्न है, जहां पे उनका ध्यान जाता है, वो चैरिटी है, यानी दान है, यानी जरूरतमंदों की मदद करना है. सो दिस इज व्हाट द कपलेट्स मीन एंड दिस इज द डिटेल्ड मीनिंग दैट दे हैव.